इतनी बड़ी संख्या हमारी बहनों की दिख रही है। देश भर में हमको नहीं लगता कि और कहीं जो है महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में होंगी, कि जो पुरुष कर सकते हैं बढ़ चढ़ करके उनसे भी आगे बढ़ करके काम कर सकती है। कोई दंगाई हो चाहे किसी धर्म का हो तो उसको हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, पटना के गांधी मैदान में नव नियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने मंच से बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तेजस्वी यादव यहां पर थोड़ा उग्र होते नजर आए और उन्होंने संबोधित करते हुए उन महिला पुलिस कर्मियों को क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो आप वो सुनिए। हम तहे दिल से आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या हमारी बहनों की दिख रही है, कितनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें बैठी है। 33% आरक्षण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वाकई में जो है काबिले तारीफ। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में हमको नहीं लगता कि और कहीं जो है महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में होंगी। तो ये साबित आप लोगों ने किया है कि जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला जो है एकदम बढ़ चढ़ करके उनसे भी आगे बढ़ करके काम कर सकती है। सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जो लोग, कुछ लोग तो कहता ही रहता है फलना राज आ गया, जगला राज आ गया, तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार की साफ तौर इंटेंशन है कि कहीं कोई गड़बड़ करने वाला अगर होगा तो उसको हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। इसलिए इस दिशा में इतनी बड़ी बहाली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ करे। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आजकल समाज में जो है जहर बोने का काम किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान विवाद करा करके भाईचारा को, अमन चैन शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब जो है आप लोगों को देना है। अगर कोई अगर गड़बड़ करने का काम करेगा, कोई दंगाई हो चाहे किसी धर्म का हो, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इन चीजों को कंट्रोल करने का काम किया जाए। तो सुना आपने, पटना के इस गांधी मैदान में जो नवनियुक्त पुलिसकर्मी थे उनमें काफी सारी लड़कियां भी थी, जिन्हें संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जंगल राज और दंगा की बात करने वाले और हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोग जरा भी इधर उधर करें तो उन्हें सबक सिखा दीजिएगा। और आपने ये साबित कर दिया है कि लड़कियां कभी भी लड़के से कम नहीं है, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए वो तत्पर रहती है। वैसे भी तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में यूं तो कई बातें कही है, लेकिन यहां पर उन्होंने खासतौर पर यह भी कहा है कि पूरे देश में इतनी ज्यादा महिलाओं की बहाली पुलिसकर्मियों में और कहीं नहीं होती, ये बिहार ने शुरू किया है और बिहार इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।